अच्छी आदत जीवन भर की दोस्त, वन स्टेप एट अ टाइम। आदतों में ना बहुत ताकत होती है, इससे आप एक समय में एक कदम आगे बढ़कर खुद में बदलाव ला सकते हैं। आदतें ये भी सुनिश्चित करने में आपकी मदद करती हैं कि ये बदलाव आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। अच्छी आदतें बनाना सिर्फ सलाह देने भर का काम नहीं है, इसके पीछे लॉजिक्स और साइंस दोनों जरूरी हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिया और चर्चा का विषय है जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब में हमें पता चलेगा कि किस तरह विचार, अभ्यास और मान्यताएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह लेखक ने उन सभी लोगों के विचारों का संकलन किया है जो बरसों की कड़ी मेहनत और रिसर्च प्रोग्राम से इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इस किताब में आपको हर पायदान पर अपने लिए एक बेहतर आदत बनाने की ट्राइड एंड टेस्टेड योजना मिलेगी। अगर आप विज्ञान की माने तो इसमें लिखी सभी बातें आपको सही लगेंगी। देखिए, एक अच्छी आदत तक पहुंचने के लिए चार अहम कदम होते हैं। ये हैं संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। आसान भाषा में समझें तो सबसे पहले आपको एक सिग्नल मिलता है अपनी आदत बदलने का। बेहद मामूली आदत की बात करें तो जैसे सुबह जल्दी उठना। अक्सर आप अपने आसपास के लोगों या परिवारजनों से प्रेरित होकर भी जल्दी उठने का कभी कभी संकल्प लेते हैं। इसे आप संकेत या सिग्नल मान लें। उसके बाद आप में इसे करने की ललक उठने लगती है, क्योंकि इस आदत की वजह से आपको कुछ फायदे महसूस होते हैं। जैसे जल्दी उठ के आपके वो सारे काम निपट जाते हैं जिनके लिए आप अक्सर लेट हो रहे होते हैं। इसके प्रतिसाद या जवाब में आप खुद के लिए थोड़ा और बेहतर महसूस करने लगते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरह से, और साथ ही थोड़ा प्राउड भी, और ये बहुत जरूरी भी है। और पुरस्कार या रिवॉर्ड के रूप में आप पाते हैं अपने समय का सदुपयोग, अच्छा स्वास्थ्य, कई बार अच्छा पैसा भी, और ऑलमोस्ट हर बार अपने आसपास के लोगों की प्रशंसा। राइट, अपनी आदतों में परिवर्तन लाकर आप अपने परिवार, कारोबार और जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। यूं तो मानव व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, पर इस किताब में दिए गए कुछ मूल्य व्यवहार ऐसे हैं जो आपके लिए लंबे समय तक काम करेंगे, शायद आजीवन। आप जानते हैं ना कि छोटी छोटी आदतों में चमत्कारी शक्तियां होती हैं। छोटे छोटे सुधार एक साथ एक जगह मिलकर बड़े नतीजे देने में कामयाब होते हैं। छोटी आदतें बड़े बदलाव इसलिए ला पाते हैं क्योंकि उन्हें करने के लिए हमें खुद पर बहुत दबाव नहीं डालना पड़ता। छोटी आदतों के जो प्रभाव होते हैं वो लंबे समय में दिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप खुद में रोज 1% की बेहतरी लाते हैं, तो जरा हिसाब लगाइए कि पूरे साल में आप कितने प्रतिशत बेहतर हो जाएंगे। हम लोगों को अक्सर ओवरनाइट सक्सेस की चाह होती है ना? चाहे वो पैसा बढ़ाने के मामले में हो, खुद को फिट रखने के बारे में हो, या फिर कोई नई भाषा सीखने के बारे में हो। और जब हमें कम समय पर मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम वही पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। दैनिक जीवन में एक छोटा सा बदलाव भी हमें काफी आगे ले जाने के लिए काफी होता है, फिर चाहे वो दिशा सही हो या गलत। सफलता प्रतिदिन के आदतों का उत्पाद है, सिर्फ एक दिन के बदलाव का नहीं। आप जो भी दोहराते हैं वो आपको प्राप्त होता है। सफलता और असफलता के अंतर को समय कई गुना बढ़ा के आपके पास वापस लौट आता है। अच्छी आदतें समय आपको मित्र बना देती है और बुरी दुश्मन। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह से अच्छी आदतें आपके लिए काम करती हैं और अपनी पसंद या नापसंद के अनुसार इन्हें कैसे बनाया जाए। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से प्राप्त होती हैं। हर आदत एक छोटे से बीज की तरह होती है, लेकिन बार बार दोहराने पर वो एक विशाल काय वृक्ष की तरह हो जाती है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। ये वृक्ष आपके जीवन में जड़ें जमाता है और इससे निकलने वाली शाखाओं से आपके जीवन की राह बनती है। इसी तरह बुरी आदतों को खत्म करना भी अपने अंदर के एक जहरीले पेड़ को उखाड़ फेंकने की तरह होता है। जरूरी है कि उस अच्छी आदत और उसके परिणाम में हमारा इतना विश्वास हो कि उसके लिए हम बरसों तक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहें। और जानने के लिए सुनते रहिए नेक्स्ट एपिसोड।